हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल झटपट से बन जाने वाली एक स्वीट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है शाही टुकड़ा। तो जिसके लिए मैंने चार ब्रेड ले लिए हैं, वाइट ब्रेड लेने हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक कप चीनी ली है और इसके अंदर ऐड कर लिया है एक कप के बराबर ही पानी। तो इसे हम बॉयल करने के लिए रखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो हमने ब्रेड स्लाइस लिए थे उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप घी का यूज़ कर सकते हैं, ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो इसको आपको डीप फ्राई कर लेना है, दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो इस तरीके से इसे फ्राई कर लेना है उलट पलट करके। दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस इसको निकाल लेते हैं। सारा ऑयल निकाल करके अच्छी तरीके से इसे आप निकाल लीजिए और इसी तरीके से बाकी के ब्रेड को भी फ्राई कर लेंगे। जो चीनी में पानी डाल करके रखा था इसको मैं बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए आपको पकाना है, जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए, चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरीके से और इसमें बॉईल भी आ गया है बहुत अच्छा सा। और अब इसको 5-6 मिनट और पकाएंगे। चाशनी हमें चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, एक तार की या दो तार की नहीं बनानी है। तो यहाँ पे 5-6 मिनट पकाने के बाद ये देखिए, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी जो है ऑयल की तरह हो गई है। जैसे हाथों में आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल ऑयली ऑयली आपकी उंगलियों पे लगेगा। तो बस इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है और दूध को अब हम गर्म करेंगे, इसकी रबड़ी बनाएंगे। तो दूध को आपको तब तक उबालना है जब तक ये पूरा दूध जो है रिड्यूस होके 1.5 कप के बराबर ना रह जाए, इतना इसको आपको पका लेना है। अंदर मैं 2 चम्मच के बराबर चीनी ऐड कर रही हूँ, जिससे ये थोड़ा सा मीठा हो जाए। तो इस को भी आपको मीठा कर लेना है। 2 चम्मच के बराबर चीनी डाल लीजिए इसमें और अब इसको अच्छी तरीके से बॉईल होने दीजिए, मिक्स कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। और अब यहाँ पर मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, इसमें 1/2 चम्मच के बराबर इलायची का पाउडर डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा मैं इसमें जाफरान ऐड कर रही हूँ, अगर ये आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये भी ऐड कर दिया, इससे कलर भी चेंज होगा, खुशबू भी आएगी। अब इसको चलाते हुए थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी रबड़ी भी बनके रेडी हो गई है। दूध जो है काफ़ी सारा रिड्यूस हो गया है, अब ठंडा होगा तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो ब्रेड लिए थे इसको आप चाहें तो ट्रायंगल शेप में कट कर लें, चाहें तो स्क्वायर शेप में कट कर लें, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, जैसे भी काटना चाहें आप काट लें। मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में स्क्वायर शेप में काट रही हूँ इस तरीके से। ब्रेड्स को मैंने काट लिया है यहाँ पे और अब इसको मैं एक डिश के अंदर लगा लूँगी। और ये जो चाशनी थी इसको हल्का सा मैंने गुनगुना कर लिया दोबारा। और यहाँ पर ये देखिए, जो हमारे पास ब्रेड है फ्राई किए हुए, इनको चाशनी में इस तरीके से डिप करेंगे और किसी भी प्लेट में या डिश में लगाते जाएंगे इनको। बस इसे चाशनी में डिप करना है और निकाल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको निकाल करके इसको उसी प्लेट में रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इनको अच्छी तरीके से इस तरीके से डिप करके, चाशनी में डिप करके मैंने इसे रख लिया है यहाँ पर। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चाशनी और डाल दे रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं डालना है, 1-2 चम्मच के बराबर ही डालना है। इसके बाद हमने जो रबड़ी तैयार की थी वो रबड़ी इसके ऊपर डालेंगे। तो ये देखिए, दूध पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है और अब इसको हम सारे ब्रेड के पीसेस पे इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने रबड़ी को ऊपर से अच्छे से डाल दिया है। अब ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम डालूंगी, थोड़े से जाफरान के धागे इसके ऊपर डाल देंगे और बस हमारा शाही टुकड़ा बनके रेडी है। आप इसे फ्रिज में रख के अच्छा से ठंडा करके फिर सर्व करें, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। इफ्तार में बनाएं किसी भी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।